As I said earlier, today we have more than 1 lakh startups in the country. And not only startups, we have opened up the space sector. And within 1 year, we have seen that we have more than 160 space sector startups already in the country. And Vikram, as jo hai, hamara jo launch kiya gaya, wo bhi apne aap mein bahut kuch kehta hai ki 7000 se zyada अब हमारे एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर के स्टार्टअप्स यहाँ पर हैं. 100% FDI हमने स्पेस सेक्टर में कर दी है. आप सोचिए, अगर आज से 30 साल पहले पूर्व की सरकारों ने कर दिया होता तो आपको गूगल मैप इस पे ना जाना पड़ता, गूगल सर्च पे भी ना जाना पड़ता है. शायद हिंदुस्तान में ही किसी ना किसी स्टार्टअप के माध्यम से कोई ना कोई कंपनी करके देती. आज हमारे ही देश के पढ़े लिखे विद्यार्थी, आपकी तरह IIM IIT से पढ़े हुए, आज दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के CEOs हैं. लेकिन आज जो अमेरिका नहीं कर पा रहा, वो भारत ने किया. चाहे आरोग्य सेतु ऐप हो या कोविन ऐप हो, कोविड के समय अगर डिजिटल एप्लीकेशन कोई लाया तो भारत लेकर आया. और आज आपको अपने सर्टिफिकेट लेके कहीं और नहीं जाना पड़ता, डिजी लॉकर पर आप रख सकते हो, तो ये भी भारत में होता है. और कोविड का सर्टिफिकेट भी आपको अपने कोविन ऐप पे मिलता है. ये सुंदर पिचाई ने मुझे कहा कि उसके पास भी डिजिटल सर्टिफिकेट नहीं, लेकिन भारत के आम आदमी के पास भी. ये फर्क है आज. इसी तरह से हमने एग्रीटेक की अगर आप बात करें तो नमो ड्रोन दी थी. एक महिला को ड्रोन उड़ाने के लिए 15,000 रुपया महीना मिलेगा, को पायलट को 10,000 रुपया मिलेगा. देश में हजारों दीदियां बनेंगी जो नमो ड्रोन दीदी हैं. यानी कि आप एग्रीकल्चर सेक्टर में देखेंगे, हाथ से आपको पेस्टिसाइड और ये हमारे खाद नहीं डालनी पड़ेगी. अब वो नैनो यूरिया का इस्तेमाल करके ड्रोन से स्प्रे कर सकते हैं. एग्रीकल्चर सेक्टर में पहाड़ों से आता हूँ, हिमाचल प्रदेश से. हमारे यहाँ पे सेब होता है तो 3 दिन तो ट्रक को ऊपर से चंडीगढ़ तक लाने में लग जाते हैं. आज ड्रोन भी 200 किलो का भार उठाने वाला है. कश्मीर का सेब अगर जम्मू तक पहुँचाना है तो ड्रोन से उड़ा के आप यहाँ पर ले आओगे, वो समय बचेगा. आप सोचिए हम फ्यूचर में टेक्नोलॉजी को लेके कहाँ जाने वाले हैं. फॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, हियर द डिजिटल टेक्नोलॉजी हैज प्लेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सब्सिडी, जो मैंने कहा डायरेक्ट बेनिफिशरीज ट्रांसफर की मैं बात कर रहा हूँ, तो आज सीधा खाते में पैसा जाता है, खाने वालों को ख़त्म कर दिया. आधार, आपको आइडेंटिटी देश के लगभग हर व्यक्ति को मिल चुका है. गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो है, आज उधमपुर जम्मू के भी लोग, गांव में बैठा व्यक्ति भी सरकार को अपना सामान बेचना हो तो जैम पोर्टल पे जाके बेच सकता है. 6.5 लाख करोड़ रुपए की खरीद आज ऑनलाइन ट्रांसपेरेंट माध्यम से की. छोटे से छोटे व्यापारी ने भी अपना सामान बेचा है, मोदी सरकार ने करके दिखाया है. इसी तरह से फास्टैग की मैं बात करूँ, फास्टैग वो है 743 सेकेंड आपके लगते थे आपको टोल पर, आज मात्र कुछ सेकंड के अंदर आप लोग वहां से निकल जाते हैं. केवल फास्टैग आपको मदद करता है आने के लिए. फार्म मार्केट ईनैम मैंने आपको पहले बता ही दिया. EPFO की मैं बात इसलिए कर रहा हूं, आज लोग कहते हैं रोजगार रोजगार, मैं कहता हूं ये नंबर पढ़ के देखिए. ये दिखाता है कि 6,43,00,000 लोगों की नई रजिस्ट्रेशन EPFO में हुई है, जहां एम्प्लॉय के लिए प्रोविडेंट फंड दिया जाता है. इससे पता चलता है कि फॉर्मल जॉब्स कितनी मिली है. और ई श्रम जो फॉर्मलाइज करता है इनफॉर्मल सेक्टर को, हमारे यहाँ पे 93% इनफॉर्मल जॉब्स थी, आज उसमें से 29 करोड़ लोगों को ई श्रम कार्ड मिल चुके हैं, नए लेबर लॉज बन गए. इसी तरह से आसान क्रेडिट, मुद्रा योजना हो, स्वनिधि, रेडी पटरी वाले को पैसा नहीं मिलता था. आपको हैरानी होगी, उसको अगर 10,000 रुपया कोई देता था, 1,000 रुपया पहले काट लेता था और उसको 3% महीने का ब्याज लेते थे, 36% साल का. आज मोदी सरकार ने उसको 10,000 रुपये दिए और कोविड के समय दिए. आज उसके जीवन में क्या बदलाव है, डिजिटल पेमेंट करता है और समय पे इंटरेस्ट पेमेंट कर देता है तो उसका इंटरेस्ट भी माफ़ हो जाता है. और 10,000 से बढ़कर उसको 20,000 रुपया कर दिया जाता है, फिर 50,000 रुपया.